30% वर्कआउट और 70% डाइट, 50% वर्कआउट 50% डाइट, 30% वर्कआउट 70% डाइट, कुछ कुछ बोलते हैं लोग, कुछ हर जगह अपनी। तो जिस तरह सब अपनी अपनी छोड़ते हैं, मैं अपनी छोड़ता हूँ, 100% वर्कआउट एंड 100% डाइट, दोनों के अंदर किसी भी किस्म की कंप्रोमाइजिंग नहीं चलेगी। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल, हेल्थ एंड फिटनेस और चीज़ है, बॉडी बिल्डिंग रिलेट करती है हेल्थ एंड फिटनेस से, लेकिन बॉडी बिल्डिंग एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। हम इन दो चीज़ों को आपस में ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप हेल्थ एंड फिटनेस की तरफ हैं तो वो बहुत अच्छी बात है और वो बहुत आसान भी है। बॉडी बिल्डिंग इज़ नॉट ईजी, बॉडी बिल्डिंग इज़ नॉट फॉर एवरीबडी, ये खास लोगों के लिए है। जो इसको चुनता है इस फील्ड को, बॉडी बिल्डिंग सिर्फ उसके लिए है। बॉडी बिल्डिंग के अंदर ये बहुत हार्ड वर्क है। कभी कभी हमें सिर्फ ये दिखता है कि मुंह उठा के हमने जिम चले जाना है, जिम जाके थोड़ा सा वेट उठा लेना है, थोड़ा सा वर्कआउट कर लेना है और ठीक है, सब चल रहा है। इतना 60% मैं इसको दे सका हूँ, और उस 60% में अभी तक मुझे क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं, कितनी बार मैंने बीच में वर्कआउट छोड़ा है, कितनी बार मैंने डाइट को बीच में छोड़ा है, कितनी चीज़ों को मैंने सीखा है, समझा है। और अभी इसको मैं प्रोफेशनली नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा शौक है तो मैं इसको कैरी ऑन कर रहा हूँ। अगर मेरा प्रोफेशन होता तो या तो मैं कब का बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर बन चुका होता, या मैं इस चीज़ को बिल्कुल खैरबाद कह चुका होता कि मेरा इस फील्ड से कोई लिंक नहीं है। मैं बताना आपको ये चाहता हूँ कि ये दिखने में बॉडी बिल्डिंग बहुत आसान लगती है, ये इतनी आसान नहीं है। इसमें आपको अपना 100% देना पड़ता है, वर्कआउट में भी और डाइट में भी, फिर जाके आपको रिजल्ट मिलते हैं। और कई लोग यही कहते हैं कि यार हम तो अपना जिम भी कर रहे हैं, डाइट भी थोड़ी कर रहे हैं ठीक, या कभी कभी आप डाइट को ठीक नहीं रख पाते हो, जिम सही कर रहे होते हो, और कभी कभी आप डाइट पे बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हो, लेकिन उस स्ट्रिक्ट डाइट के साथ आपको वर्कआउट के साथ जाना बिल्कुल नहीं आपको समझ आ रहा होता, तो उस तरफ से भी फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होता है, क्योंकि आप एक चीज़ चाहे 100% ठीक कर रहे हो, अगर दूसरी साइड पर आप वीक हो तो आपको रिज़ल्ट इक्वल नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपके साथ आएगा, आपको फेस करना पड़ेगा। तो इन दोनों चीज़ों को समझना पड़ता है, इनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है, हर चीज़ को समझना है, समझने के बाद उसको करने का फिर मज़ा आता है। और कभी कभी हमें समझ नहीं होती और हम कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी लगन और हमारे पैशन की वजह से हम उस चीज़ को समझना भी शुरू कर देते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता करते 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 हम उसकी तय तक पहुँचते हैं। और एक्यूरेसी, आपको कोई काम नहीं भी आता, आप उसमें लगे रहो, जोर लगाओ, 100% दो, चाहे गलत कर रहे हो लेकिन 100% अपना फोकस और नियत के साथ उसको आप करो, एंड आई गारंटी यू गाइस, एक टाइम आएगा, दैट टाइम वुड बी योर्स। कॉन्सेप्ट टू है, कॉन्सेप्ट वन भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी यहाँ पर मुझे कॉन्सेप्ट वन, इससे पहला मॉडल था वन का, और ये कॉन्सेप्ट टू जो है ये सेकंड है। गैस ये इतनी को इफ़ेक्टिव है और हम इसको मजाक समझते हैं। मुझे पता है आप में से कई व्यूवर्स ने तो ये लाजमी 100% पहले देखी होगी, यहाँ पर अपने आप को आपने अपने शूज़ फिट करने, और कुछ लोग गलती करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ लोग स्टार्टिंग में मिस्टेक ये करते हैं, ये देखें मैंने इसको किया हुआ है फर्स्ट स्टेप पे, कुछ के पाँव बड़े हैं चाहे छोटे हैं, लेकिन आप कोशिश करें इसको फर्स्ट पे या सेकंड के ऊपर सेट करें। उसकी रीज़न पता है क्या है, जब आप इसमें पाँव रखते हैं अपना एडजस्ट करते हैं, ठीक है, सपोज अब ये देखें, यह आपने मशीन खींची और जब आपको वापस जाना है ना, आपको अपनी लेग्स बाहर, ये जो नीज़ है ना नीज़, इनको आउटसाइड आपने बेंड करना है, इनको इनसाइड नहीं लेके जाना, इनको आउटसाइड एक तो बेंड करना है। और जब आप एंड पे जाते हैं तो आपकी जो
एड़ियाँ हैं ना ये उठनी नहीं चाहिए, इस तरह आगे जाके इसको उठनी, इसको नीचे ही रहने देना और प्रॉपर अपनी थाई के ऊपर आपने इसका वेट आने देना है एंड देन नीड टू गो बैक, ठीक है, एंड स्क्वीज इट। तो ये इसका तरीकाकार है। और ये कब करनी चाहिए, किस टाइम करनी चाहिए, मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, हम कार्डियो रनिंग करने के बाद थोड़ी देर के लिए जो है ना 15 मिनट या 20 मिनट के बाद जब हमें सांस चढ़ जाता है उस वक्त हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम स्टॉप कर देते हैं अपनी एक्सरसाइज। लेकिन यहाँ पर ये बहुत बड़ी चीज़ है जो आपको नोट करने वाली है, अगर आप 15 या 20 मिनट के लिए आप जॉगिंग कर रहे हैं या आप कोई कॉन्सेप्ट मशीन पे आप अपनी कार्डियो कर रहे हैं या आप साइकिलिंग कर रहे हैं या आप रनिंग कुछ भी आप जो हार्ड कोर 10 मिनट या 12 मिनट की एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट उसके अंदर क्या होता है, जब आपने वो कर ली है उस वक्त ये होता है कि हमारी बॉडी में से फैटी सेल्स निकलते हैं और वो ब्लड स्ट्रीम्स के अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद अगला 1 आवर जब वो ब्लड स्ट्रीम में फैटी सेल्स हमारे चले जाते हैं निकल के वो ब्लड पंप करने के बाद जब हम कार्डियो करते हैं कुछ भी, उसके बाद सबसे मेन पॉइंट जो है वो वाला जो पीरियड होता है वो सबसे हसास पीरियड होता है, क्योंकि उसके दरमियान फैटी सेल्स हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर आ चुके होते हैं और वो ये हमारी बॉडी को कह रहे होते हैं कि आओ तो मैंने उठाओ, सिंपल वर्ड में कि आओ और मुझे बॉडी में से निकाल दो, ब्लड में से निकाल दो, क्योंकि हम ऑलरेडी उसको पुश करते हैं और पुश करके हम उसको ब्लड स्ट्रीम में ले आ चुके होते हैं। तो अभी उस वक्त क्या होता है जब हम वो रनिंग कर चुके होते हैं, उसके बाद बड़ी सिंपल चीज़ है, आप वॉक कर लें, चाहे आप वॉक कर लें, चाहे छोटे छोटे कदम पर चल लें, चाहे स्लो रनिंग कर लें आप, लेकिन उस टाइम वो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है टाइम होता है उसके अंदर आप पूरी कोशिश करें कि आप चाहे वॉक कर रहे हैं 15 से 20 मिनट अगले जो है उसमें कम से कम आप वॉक करें या रनिंग करें या कॉन्सेप्ट मशीन पे चले जाएं, चाहे स्टडी आप वॉक करें, लेकिन आपको करना लाजमी है क्योंकि वो करने उस वक्त आपकी असल बर्निंग प्रोसेस तब स्टार्ट है। लेकिन हम ये समझ रहे होते हैं कि जब हमने 12 या 15 मिनट रनिंग की है, रनिंग करने के बाद ही हमने उस टाइम सारा कुछ जो है वो उड़ा दिया, उस वक्त एक्चुअली ब्लड स्ट्रीम के अंदर आता है तो उसके बाद मेन प्रोसेस स्टार्ट होता है जहाँ पर हम रुक जाते हैं। तो इस चीज़ को आपने हमेशा ख्याल में रखना है और इसको ट्राई करना और अपनी कैलरीज आप जो है उसको डेफिसिट के अंदर रखें, साथ में आप हार्ड वर्क करें, उसके बाद स्टीडी वर्कआउट पे आ जाएं आप 12 से 15 मिनट की जो है इंटेंस वर्कआउट के बाद या कार्डियो के बाद, तो आपको वीक्स में, मंथ में भी नहीं, वीक्स के अंदर आपको रिजल्ट मिलेंगे और आप देखेंगे अपनी ट्रांसफॉर्मेशन। खाना खाते हैं, अपनी सारी सेटिंग करते हैं और अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखें, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में नई एक्सरसाइजेस के साथ और कुछ नई डाइट टिप्स के साथ।